आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस, मैं हूं अंसल बारी। कांग्रेस के युवा नेता पुनीत मनचंदा आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जा रही है, और जाहिर है कि कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि पिछली 3 दशक में अब तक कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर जो उसकी अपनी ताकत थी, वो दिन ब दिन उसकी ताकत कमज़ोर होती गई है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकती है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है। तो आज उन्हीं तमाम चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पुनीत, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश जाहिर है कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि पिछले 3 दशक को अगर हम देखें, कांग्रेस धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से साफ होती जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की पकड़ पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। ऐसा है, पूरे देश में जो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद और आज तक का जो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश को बनाया, भाईचारे को सबको कायम किया, और जिस तरीके से नवरत्न बनाए, हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी, आज हिंदुस्तान उसमें आया कि हवाई जहाज़ अपना बनाने लगा, सब चीज़ें ये सब मायने रखती हैं। बीच में कुछ ऐसा माहौल आया, कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने एक आपका अगर मैं कहूं कि वो माहौल बनाया, आपस में भाईचारे का माहौल नहीं कायम किया, एक दूसरे के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई जो कभी हमने सुनी थी, जो हमारे ग्रैंडफादर सब लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ आए थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज ऐसा माहौल लगता है कि ईस्ट इंडिया पार्ट 2 यहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं भाईचारे को ख़त्म करा जा रहा है। तो मौजूदा सरकारें जो हैं इस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, जो आज लगता है, और जो हमारी जो आज भारत सरकार है उसकी जो पॉलिसी है सिंगल एजेंडा पे जो वो चलती है, उसकी बातों से और हर चीज़ों से उनके उससे लगता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कहीं ना कहीं देश हित की बात नहीं हो रही है और जनहित की बात नहीं हो रही है। जनहित की बात इसलिए नहीं हो रही है कि अब मैं कोविड का अगर मैं समय कहूँ, और आप अगर देखो ग्राफ 2014 से आज जो MSMEs और स्मॉल व्यापारी है उसका ग्राफ गिरता ही आ रहा है, और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन और गलत GST जो आई उसके साथ साथ जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका असर पड़ा सिर्फ एक आम आदमी पे, आम जनता पे, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जिनको आज इन्होंने बर्बादी के कगार पे लाया। कोविड के अंदर इतना मिसमैनेजमेंट रहा, इतने इन लोगों की जान गई है, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका परिचित ना गया हो, और फाइनेंशियल लोगों की बैकबोन टूट चुकी है। तो मुद्दे क्या होंगे उत्तर प्रदेश में जब आप जा रहे हैं? मुद्दे जब कोविड आया तो कोविड के दौरान इस सरकार का जो फेलियर रहा, जिस तरीके से ये लोग घर बैठे रहे और ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मरे, और उसके बाद जो इनका बयान आता है कि कोई नहीं मरा या हम लोगों ने बिल्कुल सुचारू रूप से किया, और उसके बाद बेशर्मी की हद देखो आप, आज पूरे दिल्ली NCR में भी और UP में एक होर्डिंग लगा हुआ है, UP नंबर 1, चाहे रोज़गार में हो, चाहे साफ सफाई में हो, पता नहीं तमाम तरीक़ों से लगा रखा। मतलब मैं ये भी हैरान होता हूँ कि झूठ बोलने की सीमा होती है, आदमी को आईना देखना चाहिए, शर्म भी नहीं आती है कि इतने लाखों लोग मरे हैं और हम उनकी मौत के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे ये मुद्दे होंगे। और MSME जो बर्बाद हुआ है, जो आम व्यापारी बर्बाद हुआ है, किसानों का मुद्दा है जो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इनको रिजल्ट में समझ आएगा। ये तमाम सारे मुद्दे होंगे जिसको लेके कांग्रेस यूपी में भी जाएगी और तमाम देश में जाएगी, जैसे राहुल जी ने ये मुद्दा उठा रखा है। और आपको इतना रेवेन्यू मिला पेट्रोलियम से, उस 22 लाख करोड़ रुपया, वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया, PM केयर फंड का पैसा कहाँ गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। और इसके अलावा आप जो ये अभी नवरत्न, आपको पैसा चाहिए, आप नवरत्न कंपनियाँ जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनसे रोज़गार मिलता था, एक आम आदमी का जीवन चलता था, और आप वो सारे अवसर खो के सिर्फ आप मोनोपोली कर रहे हैं कि 5-7-10 लोगों को, 4-5 लोगों को आप मोनोपोली दे दें ताकि हिंदुस्तान उनका गुलाम हो जाए। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 ऐसा लग रहा है कि दोबारा आ गई। अच्छा, इधर देखा जाए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में जो है एक नफरत का माहौल जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और वो जो है साफ तौर पे नज़र भी आ रही है।
क्या कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को जो है चुनाव में एक एजेंडे के तौर पर शामिल करेगी? कांग्रेस हमेशा भाईचारे पे बिलीव करती आई है और सबका साथ, सबको साथ लेके चलना, किसी भी धर्म जाति को लेके कांग्रेस शुरू से चलती आई है। और कांग्रेस जाहिर तौर पर इस मुद्दे को बिल्कुल ज़रूर बोलेगी और इस मुद्दे को लेके भी चलेगी सबसे पहला। और सच कभी हारता नहीं है, जैसे हमारे राहुल जी भी बोलते हैं, प्रियंका जी हैं, और हमारे तमाम बड़े नेता जितने हैं उन सबका यही कहना है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान ज़रूर होता है। तो हम उन सब मुद्दों को लेके जाएंगे। और जो आज माली हालत है, जो छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया है, सबसे अहम मुद्दा जो MSMEs, और उनको इन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। आप 100 रुपये, मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, आप ये तो डबल लगान वसूल कर रहे हैं, डबल क्या, कई गुना लगान, जो अंग्रेज़ लगान कहते थे, आज उसे इन्होंने GST का नाम दे दिया है। आपने सपोज़ एक कंपनी की टर्नओवर है, आप उससे लाखों रुपए टैक्सेस लेते हैं, और वो कोविड के दौरान अगर वो ज़ीरो अपनी टैक्सेस नहीं दे पा रहा, तो सरकार का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो सर्वाइव करें। बट गवर्नमेंट की दिशा ऐसी है ही नहीं, वो उजाड़ना ही चाहती है। वो चाहती नहीं छोटी कंपनी सर्वाइव हो, वो चाहती है कि मोनोपोली हो, बड़ी कंपनीज ही रहें इस देश में, जैसे पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब इन कंपनीज का राज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुनीत। साफ तौर पे मानना इनका ये है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो चुनाव के अंदर उठाए जाएंगे, ख़ास तौर से लोगों के रोज़गार का चाहे मामला हो, या फिर कोविड के अंदर जिस तरह की बदनज़मी देखने को मिली और जिस तरह से सरकार ने आंकड़ों को छुपाया, तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको घर घर तक पहुंचा करके सरकार को एक्सपोज किया जाएगा जनता के सामने, ताकि चुनाव में जो वरगला के वोट हासिल करने की एक कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उसे कामयाबी न मिल सके। तो पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, कांग्रेस के एजेंडे को हमारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें।